भारत पर अटैक हो रहा है, आज हो रहा है, कल भी हुआ था और आने वाले कल में भी होगा। ये अटैक मिसाइल बॉम्ब या गोलियों से नहीं, हो रहा है इंटरनेट की डार्क दुनिया जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी को जानलेवा खतरा है। बात हो रही है साइबर सिक्योरिटी, हमारी बड़ी बड़ी बैंक्स, हॉस्पिटल्स, इसरो और यहाँ तक हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर भी पिछले कुछ सालों में साइबर अटैक्स हुए हैं, लेकिन इनके बारे में कभी भी मेनस्ट्रीम मीडिया में डिस्कशन होती ही नहीं, ये आपसे सीक्रेट रखा जाता है। यूजुअली जब हम डेटा ब्रीच या साइबर अटैक्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही तरह के अटैक्स आते हैं, किसी कंपनी की वेबसाइट हैक हुई और कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि ईमेल आईडी और नंबर लीक हुए, दैट्स इट। लेकिन भारत में साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इससे काफी बड़ा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे नाक के नीचे से हर रोज भारत के इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है, अटैक किस तरह का होता है और इससे सेफ रहने के लिए सरकार और हम क्या कर सकते हैं। बाय द वे, टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है तो एक और ऐसा स्कैम हुआ था जिसकी वजह से लोगों के बहुत सारे पैसे डूब गए थे। आपने फ्रीडम 251 फोन के बारे में तो सुना होगा, एक स्मार्टफोन जो आप सिर्फ 251 रुपीस में खरीद सकते थे, लेकिन उसका आगे क्या हुआ? नॉलेज पार्टनर फॉर दिस वीडियो इज कुकू FM, भारत का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। यहाँ आप दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन की कहानी सुन सकते हैं। झूठे प्रॉमिसेस से लेकर फाउंडर को जेल होने तक का सफर काफी थ्रिलिंग है, जो आप कुकू FM पर सुन सकते हैं। 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स ने कुकू FM को चुना है। अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपने हमारे पहले वाले एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिस कर दिए हैं तो अभी New50 ये कोड यूज कीजिए ताकि आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीस में मिले। 45 लाख आज का कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ 49 रुपीस में। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन कुकू FM टुडे। चैप्टर 1, इंटरनेट एज अ वेपन। भारत आज एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। इसका मतलब ये है कि कई लोग अपनी जनरेशन में पहली बार कंप्यूटर को छू रहे हैं। हमारे सारे रिकॉर्ड्स अब डिजिटल हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे की एरियाज हैं जहां हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं। हॉस्पिटल्स, रेलवेज, एयर ट्रैफिक, यू नेम इट। बैंकिंग के 80% ट्रांजैक्शंस अब इंटरनेट के थ्रू होते हैं। हर साल हम 72 लाख करोड़ रुपीज के ट्रांजैक्शंस करते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भारत ग्रो हो रहा है, फास्ट आगे बढ़ रहा है और फास्ट आगे बढ़ते हुए मुंह के बल गिरने का चांस होता है। व्हेन इट कम्स टू साइबर क्राइम, 2022 भारत के लिए सबसे डेंजरस साल रहा है, क्योंकि हैकर्स और साइबर टेररिस्ट ने भारत के एसेंशियल एरियाज पर अटैक किया। एम्स हॉस्पिटल्स के 4 सर्वर्स पर नवंबर 2022 में चाइनीज हैकर्स ने अटैक किया। ये एक रैंसमवेयर अटैक था जहां इन चाइनीज हैकर्स ने इंडियंस के सेंसिटिव हेल्थ डेटा को बेचने की धमकी दी। अभी जस्ट हम एक पेंडेमिक से रिकवर हो रहे हैं। कोविड का इस्तेमाल एज अ बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है, ऐसे कई एक्सपर्ट्स कहते हैं। वही हमारे हेल्थ केयर सेक्टर पर होने वाले अटैक्स पिछले साल के मुकाबले 38% बढ़े। इन टोटल भारत के 450 मिलियन सेंसिटिव डेटा रिकॉर्ड सिर्फ पिछले साल में लीक हुए हैं। इसरो दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी 2019 में इसरो पर साइबर अटैक्स हुए, और वो भी एग्जैक्टली उसी महीने में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था। इसरो के कंप्यूटर सिस्टम्स में मैलवेयर के जरिए फॉरेन प्लेयर्स ने एंट्री पाई, जिनसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड और इन्फॉर्मेशन उनके हाथ लगी। ये अटैक्स हुए कैसे? इसरो के एम्प्लॉइज को एक ईमेल आया और उस ईमेल के थ्रू मैलवेयर उनके ऑफिशियल कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। सोचिए, क्या इसरो के इंजीनियर्स टेक सैवी नहीं होते? इनफैक्ट वो दुनिया के टॉप इंजीनियर्स होते हैं। अगर उन्हें भी हैकर्स ने नहीं छोड़ा तो जो लोग टेक की दुनिया में नए हैं उनका क्या होगा? ये हुई स्पेस की बात, अब आते हैं और डेंजरस अटैक्स की ओर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर अटैक्स। अगर आपने चेर्नोबिल सीरीज देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियर प्लांट्स में होने वाले लीक्स कितने डेंजरस हो सकते हैं। तब से अब तक टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर पावर के साथ अटमोस्ट सेफ्टी की जरूरत होती है। भारत में 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो इन टोटल 6.8 गीगावाट्स पावर बनाते हैं। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में लोकेटेड है। यहाँ 2020 में एक साइबर अटैक हुआ और ये 6 महीनों के लिए डिटेक्ट भी नहीं हुआ। थिंक अबाउट इट, ये कितना डेंजरस हो सकता है। चैप्टर 2, साइबर अटैक्स किस तरह से होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि साइबर अटैक्स के अलग अलग तरीके क्या हैं। हैकर्स दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं और अलग अलग टेक्निक्स अपना रहे हैं, लेकिन हमारे सारे साइबर अटैक्स को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाता है। हैकिंग, मैलवेयर अटैक्स, सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग,
DDoS। हैकिंग में किसी कंप्यूटर या सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस हैकर्स पाते हैं। इससे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन चोरी या लीक हो सकती है। सेकंड है मैलवेयर अटैक्स। मैलवेयर एक ऐसे तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो एक बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया तो वो सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस उसे मिल जाता है। इनमें से सबसे डेंजरस होते हैं रैंसमवेयर यानी डिजिटल किडनैपिंग। जैसे किडनैपर्स फिरौती मांगते हैं और फिर ही किसी किडनैप हुए बच्चे को रिलीज करते हैं, वैसे ही रैंसमवेयर अटैक्स में भी एक डेंजरस सॉफ्टवेयर आपके प्राइवेट फोटोज या कोई भी डेटा लीक करने की धमकी देता है। ऐसे रैंसमवेयर अटैक्स और स्कैम्स अमेरिका में काफी फेमस है, जहां कॉल सेंटर के थ्रू आपको एक एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर खरीदवाया जाता है। इसरो में जो अटैक हुआ था वो कुछ इस तरह का था। इसरो के साइंटिस्ट्स को ऑफिशियल ईमेल आईडी से ईमेल्स आए और ईमेल में कोई फाइल था, वो डाउनलोड करने पर मैलवेयर उनके सिस्टम में घुस गया। सोशल इंजीनियरिंग यानी इमोशनल ब्लैकमेल या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, जो आजकल सोशल मीडिया साइट्स पर काफी कॉमन है। सोशल इंजीनियरिंग में एक और टेक्निक यूज होती है जिसे कहते हैं बेटिंग। जैसे शिकार करते समय शिकारी एक पिंजरे में बेट या चारा रखता है और शिकार आने पर पिंजरा बंद हो जाता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। यूएसबी ड्रॉप अटैक्स अमेरिका में काफी फेमस है, जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैकर्स रैंडमली पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव छोड़ देते हैं। जिसे ये डिवाइस मिलता है वो अच्छा इंसान बनने जाता है, सोचता है किसी का गिर गया होगा, लेकिन किसका पता करने के लिए वो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। अगर आपको ऐसी कोई पेन ड्राइव मिलती है तो उसे आपके कंप्यूटर को कनेक्ट मत कीजिए। जब विक्टिम्स इस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उनका कंप्यूटर इस पेन ड्राइव को एज अ कीबोर्ड डिटेक्ट करता है। इन पेन ड्राइव्स में एक मेलिशियस कोड होता है जिसके कुछ की स्ट्रोक्स कंप्यूटर में एंटर होते हैं और फिर कंप्यूटर का एक्सेस हैकर्स को मिल जाता है। 2008 में अमेरिकन मिलिट्री के साथ भी ऐसा अटैक हुआ था, जब उनके मिडिल ईस्ट के बेस पर उनके कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटर का एक्सेस हैकर्स को मिला था। अगला मेथड है फिशिंग। रैंडम ईमेल से आने वाले अटैक्स छोड़िए, यूट्यूब तो सभी यूज करते हैं। गूगल ने रिपोर्ट किया कि इसी अप्रैल में लोगों को यूट्यूब के ऑफिशियल अकाउंट से ईमेल आए रिगार्डिंग अ पॉलिसी चेंज, जहां यूजर्स को कहा गया कि आप एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन 7 दिनों में भरकर वापस भेज दीजिए, अगर ऐसा नहीं किया तो उनका अकाउंट सस्पेंड होगा। सोचिए, किसी रैंडम ईमेल से नहीं, ये तो यूट्यूब के ईमेल आईडी से आया हुआ एक ईमेल था। आजकल फिशिंग स्कैम्स काफी सोफिस्टिकेटेड और रियल लगते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट मेथड DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अप्रैल 2023 में भारत के मेजर एयरपोर्ट्स पर DDoS अटैक्स हुए। अनोनिमस सुडान नाम के एक हैकर ग्रुप ने ये साइबर अटैक्स किए थे। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गोवा, कोची, इन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ये अटैक्स हुए थे। इन टाइप ऑफ अटैक्स में होता ये है कि सर्वर को ओवरलोड किया जाता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अचानक से लोड कितना ज्यादा बढ़ा था, उससे जो सर्विसेज इम्पोर्टेंट है वो कैरी आउट नहीं हो पाती। ऐसे अटैक्स हमारी कई गवर्नमेंटल मिनिस्ट्रीज पर भी होते हैं। जून 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर चाइना ने अटैक किया। फरवरी 2021 में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक में ऐसे अटैक्स हुए और उनके सर्विसेज डाउन हो गए। सितंबर 2020 में NPCI, जो भारत में UPI जैसी डिजिटल पेमेंट्स हैंडल करते हैं, उन पर भी अटैक्स हुए। चैप्टर 3, साइबर क्राइम से प्रॉफिट। साइबर क्राइम की वजह से पूरी दुनिया में $10.5 trillion का नुकसान होता है। साइबर क्राइम की दुनिया अगर एक कंट्री होती तो वो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी होती। बट वेट, अगर इससे देशों को नुकसान होता है तो किसी ना किसी को फायदा तो जरूर होता होगा, राइट? चेनालिसिस एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी है। उन्होंने हैक किए हुए पैसे को ट्रैक किया और उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले कि 74% पैसा रशिया में जा रहा है। आज दुनिया का सबसे डेंजरस देश नॉर्थ कोरिया माना जाता है, जिनके पास न्यूक्लियर हथियार भी है। इस देश पर इतने सैंक्शंस है कि वो अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए ट्रेड कर ही नहीं सकते, तो वो क्राइम का सहारा लेते हैं। अमेरिका की सेनेट में ये रिवील हुआ कि नॉर्थ कोरिया का 1/3 मिसाइल प्रोग्राम ऐसे ही साइबर अटैक्स करके उन्होंने फंड किया है। रिसेंटली एक काफी डेंजरस न्यूज आई थी जिसमें हमारे फ्रेंडली नेबर पाकिस्तान का हाथ था। DRDO के एक साइंटिस्ट को हनी ट्रैप किया गया। हनी ट्रैपिंग यानी एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जिसके थ्रू एक फीमेल एजेंट एक हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल से फ्रेंडली बनती है और उनके सारे कॉन्वर्सेशंस वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड करती है और बाद में इनकी मदद से उन्हें ब्लैकमेल करती है और बाद में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराती है। DRDO हमारे कटिंग एज वेपन्स की डेवलपमेंट करता है और इस हनी ट्रैपिंग इंसिडेंट्स की वजह से देश के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हाथ लगी है। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। यानी साइबर क्राइम्स की वजह से दुनिया को और भारत को 3-fold नुकसान होता है। नंबर 1, इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन होता है। नंबर 2, बिजनेसेस को, बैंक्स को और इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल नुकसान होता है। नंबर 3, टेरर और वॉर फंडिंग बढ़ता है। चैप्टर 4, तो हम क्या कर सकते हैं? भारत,
आज एक $5 trillion इकोनॉमी बनने के सपने देख रहा है। लेकिन ये सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे अगर हमने साइबर क्राइम के इस प्रॉब्लम को नहीं सुलझाया तो, क्योंकि 31% इंडियंस भारत में साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। That's almost 50 crore people. लेकिन प्रॉब्लम्स के बारे में तो सभी बात करते हैं, चलिए सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है लॉज को अपडेट करना। डॉक्टर पवन दुग्गल सुप्रीम कोर्ट लॉयर है और इंटरनेशनल कमीशन ऑन साइबर सिक्योरिटी लॉ के चेयरमैन भी। वो मानते हैं कि भारत में एक डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी मिनिस्ट्री होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी मिनिस्ट्री ऑलरेडी है जिससे उनके थ्रेट्स कम हो जाते हैं। 2020 में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अनाउंस किया था कि भारत में नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आएगी, लेकिन अब 3 साल होने आए हैं लेकिन कोई नया बिल टेबल पर नहीं आया है। हमारी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में बनी थी जिसे अपडेट होने की सख्त जरूरत है। हमारा मेन लेजिस्लेशन आईटी एक्ट ऑफ 2000 है। सॉल्यूशन नंबर 2 है डेटा लोकलाइजेशन। 3 साल पहले हमने टिकटॉक के डेंजरस डेटा यूसेज के बारे में एक वीडियो बनाया था ताकि यूजर्स को पता तो चले कि कैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स टिकटॉक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और कैसे वो आपके डेटा का इस्तेमाल भारत पर अटैक करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे चाइनीज एप्स बैन भी किए, लेकिन ये सिर्फ आधा सोल्यूशन है। पूरा सोल्यूशन है डेटा लोकलाइजेशन। आज भारत में 80 करोड़ लोगों के हाथ में इंटरनेट पहुंच गया है एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। लेकिन आप कौन से एप्स यूज करते हैं, उनमें से कौन से एप्स आपसे क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये इन्फॉर्मेशन और डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक गूगल भारत का डेटा सिंगापुर में रखते हैं, तो भारत वो डेटा कैसे यूज हो रहा है इस पर कोई कंट्रोल नहीं रख सकता। हमें हमारे जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज करके और नए लॉज बनाकर पर्सनल डेटा लोकलाइज करने की जरूरत है ताकि भारत में डेटा सेंटर्स खुले। इससे हमारा डेटा भी सुरक्षित रहेगा और भारत में जॉब्स बढ़ने के भी चांसेस हैं। तीसरा सोल्यूशन है अवेयरनेस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 2020 में चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर क्रिमिनल्स ने मुंबई के इलेक्ट्रिक ग्रिड पर अटैक किया और हमारे इकोनॉमिक बैकबोन को तोड़ने की कोशिश की। ये ऐसे अटैक्स काफी कॉमन है और आने वाले समय में बढ़ने ही वाले हैं। ऐसी सिचुएशन में बेसिक ट्रेनिंग भी काफी इम्पोर्टेंट होगी। इमेजिन एक फॉल्टी ताला है जिसे क्रैक करने का टेक्निक काफी पॉपुलर है। अगर ऐसा ताला आपके पास है तो फिर वो ताला बदलना जरूरी होता है, नहीं तो चोर को चोरी करना और आसान हो जाएगा। होता ये है कि सिक्योरिटी फ्लॉज और वल्नरेबिलिटीज सालों साल फिक्स नहीं होती। इन हैकर्स को कुछ नोन वल्नरेबिलिटीज पता होती हैं जो वो पहले ट्राई करते हैं, अगर वो ट्राई सक्सेसफुल रहा तो सिस्टम हैक हो जाता है। टेनेबल का ये रिपोर्ट कहता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में 2017 से वल्नरेबिलिटीज फिक्स हुई ही नहीं है। साइबर क्राइम्स की ग्रेविटी और इन्फॉर्मेशन हर छोटे छोटे कंपनीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और आपके जैसे आम आदमी तक पहुंचना जरूरी है, और इसीलिए हमारा ये वीडियो ताकि आप अवेयर हो और देश सिक्योर हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेक श्योर टू डाउनलोड कुकू FM और अभी न्यू 50 ये कोड यूज कीजिए ताकि आपको पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट मिले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि इंटरनेट ने पूरे देश के लिए नए अपॉर्चुनिटीज लाए हैं और हैकर्स के लिए इंडिया के रूप में एक नया टारगेट, और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय द वे, हमने एक नया शॉर्ट्स चैनल शुरू किया है, आप वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इस साल हम G20 के प्रेसिडेंट है, लेकिन G20 इम्पोर्टेंट क्यों है हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।